स्लीव का जो लेंथ है ये भी अच्छा लगता है। आई थिंक इससे मैंने 2020 में लिया था। कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर सा कलर लगता है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मधु, वेलकम टू द माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मेरा क्रॉप टॉप कलेक्शन, जो कि मैंने सारे ही मीशो से लिए हैं और बहुत ही सुंदर है और साथ ही साथ बहुत ही सस्ते हैं गाइस। और क्वालिटी में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं। इन्हें आप साड़ी के साथ, जीन्स के साथ, प्लाजो के साथ, स्कर्ट के साथ किसी भी तरीके से इसे स्टाइल करके पहन सकते हो और बहुत अच्छा लुक देने वाले हैं और बहुत सुंदर सुंदर से क्रॉप टॉप है। आप वीडियो में आगे देखोगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सभी जो क्रॉप टॉप है आपके काम आने वाले हैं। एक्चुअली फटाफट स्टार्ट करती हूँ और आपको क्रॉप टॉप दिखाना शुरू करती हूँ। सबसे पहला मैं आपको क्रॉप टॉप दिखाती हूँ जो कि है मेरे पास ये लैवेंडर कलर का। बहुत ही इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर सा कलर लगता है। आप जैसे ही इसे पहनोगे ना बहुत प्यारा लगने लगता है। तरीके से आपको नेक मिल रहा है जो कि यहाँ तक पूरा हाई जैसा दिखेगा, पूरा मतलब इधर तक आएगा, पूरा यहाँ तक नहीं आएगा, आपका पूरा इधर पूरा कवर कर देगा। और इसका जो ये शोल्डर है पूरा ऑफ रहेगा। बहुत ही प्रिटी लगता है जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो। और जिसका भी मेरे पास पिक्चर रहेगा, मैंने साड़ियों के साथ जहाँ भी पहना हुआ है मैं लगाती जाऊँगी, क्योंकि मैंने साड़ियों के साथ ही अभी तक पहना है, जीन्स वगैरह के साथ मैं पहनती नहीं हूँ ऐसे वाले क्रॉप टॉप। और इसका मैं आपको क्लॉथ क्वालिटी दिखाऊं, कपड़े की क्वालिटी दिखाऊं तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे क्वालिटी में है एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इस तरीके का आपको इसके ऊपर पैटर्न मिल रहा है, बहुत ही प्यारा सा है। मैंने साड़ी के साथ बहुत बारी पहना है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, कहीं से आपको चुभने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। और लेंथ भी बहुत सही रहेगी, ब्लाउज जितनी ही आएगी, हो सकता है 1-1.5 इंच आपको डिफरेंस आ सकता है, ब्लाउज जितनी ही रहेगी और बहुत सुंदर लगता है साड़ी के साथ। मैंने कई बार इसे पहना है और बहुत प्रिटी लगता है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लाउज की तरह आपको लगेगा साड़ी के साथ आप पहनोगे तो। आपके ऊपर है, आप जींस के साथ भी पहन सकते हो, स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया तो ये है फर्स्ट क्रॉप टॉप, बहुत अच्छा है। अंदर से आप स्टिचिंग वगैरह भी देख सकते हो, ये अलग से थ्रेड लगा हुआ है तो ये देख सकते हो आप। स्टिचिंग वगैरह जो है इसकी ये भी बहुत फाइन है, बहुत अच्छे से स्टिच किया गया है और क्वालिटी मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। और इसमें जो मेरा साइज है वो है मीडियम। मैं आपको दिखाती हूँ, इसे मैंने मीडियम साइज में मंगाया है। आप यहाँ देख सकते हो ये मैंने मंगाया हुआ है मीडियम साइज में और ये काफ़ी अच्छा सा मतलब बहुत ही कंफर्टेबल सा रहता है। तो फर्स्ट हो गया ये क्रॉप टॉप जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको और भी बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे वहाँ पे, तो आप जाके ले सकते हो। फर्स्ट हो गया ये क्रॉप टॉप। एंड सेकेंड जो मेरे पास क्रॉप टॉप है वो है ये पिंक कलर का। ये बिल्कुल ब्लाउज की तरह लगता है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप क्रॉप टॉप पहने हो। आप देखो इसका जो लेंथ है ना, ये भी स्लीव का जो लेंथ है ये भी अच्छा लगता है। और आपको ये जो इसकी लेंथ मिल रही है ब्लाउज की, ऐसे लंबाई मिल रही है, ये भी आपको बिल्कुल ब्लाउज वाली ही मिलेगी, ना छोटी रहेगी ना बड़ी रहेगी, तो काफ़ी अच्छा है। और अच्छी बात है कि इसमें ना आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइक येलो, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, जो कलर आप लेना चाहोगे वो मिल जाएगा। मैंने पिंक कलर लिया था और बहुत अच्छा सा है। इसका नेक भी काफ़ी अच्छा सा है, आप देख सकते हो। ऐसे जब आप साड़ी का यहाँ से पल्लू ले लोगे ना तो काफ़ी सुंदर लगेगा, मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आता है। और ये भी मैंने मीडियम साइज में मंगाया हुआ है, आप देख सकते हो। इसका भी जो साइज है मीडियम है, तो ये क्रॉप टॉप भी काफ़ी अच्छा है। इसके कपड़े का क्वालिटी भी आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट कपड़े में ये मुझे मिला हुआ है। अच्छा सा क्रॉप टॉप है, मुझे बहुत पसंद आए हैं ये क्रॉप टॉप, इतने सस्ते में और इतने अच्छे मिल गए हैं। और ये वाले जो क्रॉप टॉप है ना, आप इसे सीधा अपने किसी डेनिम प्लाजो के साथ, जीन्स के साथ भी पहन सकते हो और साड़ी के साथ भी पहन सकते हो, तो कई तरीके से आप इन्हें पहन सकते हो, ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। और एंड थर्ड जो मेरे पास क्रॉप टॉप है वो है ये वाइट कलर का। और जो हमारे पास स्लीवलेस ब्लाउजेस होती है ना, बिल्कुल वैसी ही लगेगी। अगर आप किसी भी साड़ी के साथ इसे पहनते हो बहुत अच्छी लगेगी। जो हम स्लीवलेस ब्लाउजें पहनते हैं ना समर में, बिल्कुल वही लुक आपको मिलेगा, बहुत प्यारा है। और आप देखो यहाँ पर अंडर आर्म्स की भी जो चौड़ाई है ना वगैरह, जो गहराई होती है आप जो भी बोलो, बहुत अच्छी है। और यहाँ पर देखो पूरे इस तरीके से चौड़े से पट्टी लगे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा सा क्रॉप टॉप है। और नीचे भी आपको इस तरीके से स्टिचिंग मिल रही है और लेंथ इसकी बहुत अच्छी है, बिल्कुल ब्लाउज वाली ही आपको मिलेगी सभी क्रॉप टॉप में। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है और मैं बहुत बारी इसे हर जगह ब्लाउज की तरह ही इसे साड़ी के साथ स्टाइल करती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। और इसका कलर भी मैं ऐसा ही लेती हूँ जो बहुत सारी साड़ियों के साथ मैं स्टाइल करके पहन सकूँ, तो ये वाइट कलर है। बहुत सारे एक्चुअली वाइट कलर जो होता है ना, इंडिगो प्रिंट जो साड़ियाँ होती हैं उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। और इसमें जो मेरा साइज है वो है स्मॉल, आप देख सकते हो। इसमें मैंने मंगाया है स्मॉल साइज और क्योंकि स्मॉल साइज इसलिए मंगाया क्योंकि ये स्लीवलेस था, तो ये जब तक हगी नहीं होगा ना, पूरा पकड़ के नहीं रखेगा बॉडी को, तब तक अच्छा नहीं लगेगा। तो ये इसमें मैंने स्मॉल साइज मंगाया है। अगर आप भी मेरे जैसे आपकी मतलब बॉडी पर्सनैलिटी है तो आप स्मॉल ही मंगाना, आपको बहुत अच्छे से फिटिंग में आ जाएगा। तो थर्ड हो गया ये वाला क्रॉप टॉप जो कि बहुत अच्छा है। एक बार आपको इसे उल्टा करके फ्लिप करके भी दिखाती हूँ। आप ये देखो कितना अच्छा सा फिनिशिंग है इसका, और कपड़े की क्वालिटी सबकी बहुत अच्छी है। जो अपना हौजरी वाला मतलब एकदम पतला वाला नहीं, एकदम कॉटन वाला बहुत अच्छा सा क्वालिटी है सभी कपड़े का। बहुत कंफर्टेबल रहोगे आप पहन के, काफ़ी अच्छे से क्रॉप टॉप है। मतलब मैं बहुत टाइम पहनती हूँ तो मुझे बहुत पसंद है, और आप डेफिनेटली ट्राई करना अगर आप ऐसे साड़ी लवर हो और उसमें आप इंडियन वेस्टर्न का थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ट्राई करना। बहुत अच्छे अच्छे से क्रॉप टॉप हैं। और जो मेरे पास क्रॉप टॉप है वो है ये फुल स्लीव का और वी नेक मुझे इसमें मिला हुआ है। और ये जो क्रॉप टॉप है ना, ये मैंने सबसे पहले अपना पहला क्रॉप टॉप मैंने मीशो से ही लिया था, और ये वही है। आई थिंक इसे मैंने 2020 में लिया था मीशो से, और ये जैसा था ना बिल्कुल वैसा है। आप इसका ब्लैक कलर देख सकते हो, कहीं से इसमें वाइटनेस नहीं आया है, कहीं से इसके रुए नहीं निकले हुए हैं, बहुत बारी धुला हुआ है। एक्चुअली इसे मैंने अभी लास्ट टाइम होली पर भी मैं इसे पहन ली थी, उसके साथ खूब कलर खेला था, फिर मैंने वॉश किया और बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो बहुत अच्छा सा क्रॉप टॉप है ये, बहुत प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा क्रॉप टॉप है। मतलब बहुत बारी पहना है, बहुत सारी वीडियो में भी मैंने इसे शेयर करा है, बहुत लोगों ने पूछा भी कि आपने कहाँ से लिया है। बहुत सुंदर लगता है, एकदम ब्लाउज वाला लुक देगा आपको, काफ़ी प्यारा सा है। और इसमें जो साइज है वो मीडियम है। इसमें जो मैंने साइज़ मंगाया है यहाँ पर है, यहाँ पर ये मीडियम साइज़ में मंगाया हुआ है। और ये क्रॉप टॉप आप एक बार जरूर ट्राई करना, डेफिनेटली ट्राई करना। विंटर्स के लिए भी अच्छे होते हैं, समर्स के लिए भी अच्छे होते हैं, क्योंकि ये बहुत पतला है। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लैक कलर ऐसा बहुत मोटा होगा, गफी सा होगा, नहीं, पतला सा है। अगर आप समर में पहनते हो तो भी आप कंफर्टेबल रहोगे, और ठंड में पहनते हो ना तब भी आपको थोड़ा कंफर्टेबल तो आप रहोगे ही, आपको ठंड नहीं लगेगी। तो काफ़ी अच्छा सा है, आप अपने किसी भी ब्लाउज के साथ इसे रिप्लेस कर सकते हो, मतलब पहन सकते हो किसी भी साड़ी के साथ। बहुत मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि जो मेरी ब्लाउजें होती है ना वो टाइम पे बन नहीं पाती है, तो मुझे ये सब क्रॉप टॉप्स जो है ना बहुत काम आते हैं और बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ ऐसे क्रॉप टॉप। जब से मैंने ये पहला वाला क्रॉप टॉप मेरा लिया ना तब से मैं क्रॉप टॉप बहुत पहन रही हूँ। तो ये हो गया फोर्थ क्रॉप टॉप जो कि मुझे बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मैंने रिसेंटली ऐसा ही ब्लू कलर का भी लिया था, लेकिन उसका फैब्रिक जो है ना थोड़ा सा चेंज था और वो मैंने मेरी सिस्टर को दे दिया, अभी मेरे पास है नहीं। ये हो गया फोर्थ। मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। एंड नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला क्रॉप टॉप। मैंने इसे पूरा छोटा करके रखा हुआ है क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी डॉटर के स्कूल में बॉलीवुड पार्टी था, तो उसमें मैं उसे साड़ी पहना के भेजी थी, सुष्मिता सेन का लुक दिया था मैंने उसे। तो ये वाले क्रॉप टॉप मैंने उसे पहनाया था, इसके लिए मैंने इधर से छोटा करके रखा हुआ था, तब से रखा ही था। और यहाँ पर देखिए पूरे धागे निकले भी हुए हैं क्योंकि मैंने इसे आज ही पूरा खोला है। यहाँ से फिर मैंने इसे स्टिच करवा दिया था, तो सिर्फ इतना बचा हुआ था, तो वो पहनी थी अपने साड़ी के साथ मैंने उसे पहनाया था। वो वाली पिक्चर भी मैं आपको लगा दूंगी। तो उसके लिए भी ये हो गया था, काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और ये वाला क्रॉप टॉप भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप ज़्यादा ऐसे स्ट्रैपी सा पहनना पसंद करते हो, पहनने में कंफर्टेबल हो, तो आप ये वाला रख सकते हो। मैंने अभी सिर्फ लिया ही है, मैंने अभी एक बार भी नहीं पहना है, सिर्फ रखा ही है, मेरी डॉटर को पहनने को काम में आ गया। कभी देखती हूँ, ट्राई करूँगी। काफ़ी सुंदर सा इसका लुक एक्चुअली काफ़ी अच्छा आएगा अगर पहनूंगी तो किसी भी साड़ी के साथ। तो बहुत प्यारा सा क्रॉप टॉप है, आप देख सकते हो। नीचे जो ये पेप्लम जैसा आएगा और ऊपर से ये रहेगा, और ये आपको पतले पतले से स्ट्रैप मिल रहे हैं जो कि एडजस्टेबल है। आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, इस तरीके से एडजस्टेबल है। तो ये वाले जो ये वाला भी क्रॉप टॉप काफ़ी प्यारा सा है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा वेस्टर्न पहनना चाहते हो साड़ी के साथ तो ये वाला रख सकते हो। और इसमें जो साइज है इस पर तो मेंशन नहीं है, बट मैं आपको दे दूँगी इसमें मेरा क्या साइज है, इस पर नहीं मेंशन है। शायद मैंने इसे स्मॉल ही मंगाया था, याद नहीं है, अभी स्मॉल ही मंगाया था। तो मैं इसका भी दे दूंगी आपको कौन सा साइज है। और लेकिन ये काफ़ी प्यारा सा है, ब्लैक कलर में काफ़ी प्यारा सा है। यहाँ पर भी आपको इस तरीके से स्ट्रेचबल मिल रहा है, और यहाँ भी आपको मतलब यहाँ पर और नीचे आपको स्ट्रेचबल मिल रहा है, और ये स्ट्रैप्स मिल रहा है। तो ये क्रॉप टॉप भी काफ़ी प्यारा है, मुझे काफ़ी पसंद आया था। और लास्ट जो मेरे पास क्रॉप टॉप है ये है ब्लैक कलर का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में लैवेंडर कलर का दिखाया ना, बिल्कुल वही वाला है ये ब्लैक कलर का। यहाँ पर जो नेक है इसका इस तरीके का है, और यहाँ ये इसके आर्म्स हैं इस तरीके का, मतलब बिल्कुल उसी के जैसा है, बस कलर चेंज है और इसका साइज भी चेंज है। पहले मैंने लैवेंडर वाला मंगाया था, तो मीडियम में मंगाया था, तो अच्छा है वो वाला, किसी डेनिम वगैरह के साथ पहनने के लिए बहुत अच्छा है, या फिर साड़ी के साथ भी मैंने कई बार पहना है, अच्छा है। लेकिन उसका जो थोड़ा सा फिटिंग जो है ना, मुझे थोड़ा सा लूज लगा था, तो ब्लाउज की तरह पहनने के लिए मैंने एक साइज छोटा मंगाया। ये जो मंगाया मैंने स्मॉल साइज में मंगाया है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो मैंने मंगाया है स्मॉल साइज में मंगाया है, आप देखो। तो ये वाला जो होता है ना, पूरा बॉडी हक करके पकड़ लेता है, तो ब्लाउज वाला लुक इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो ये वाला जो मैंने मंगाया स्मॉल में मंगाया, और ये वाला जो है मीडियम मंगाया। तो इसमें जो आपको ये पैटर्न दिख रहा है ना, इसमें थोड़ा जो लाइनिंग है थोड़ा सा ज़्यादा आपको समझ में आएगी, और ये काफ़ी प्लेन सा लगेगा। तो दोनों ही क्रॉप टॉप जो है ना काफ़ी प्यारे हैं, इसका कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो क्रॉप टॉप है सारे अच्छे हैं, बहुत ही रीजनेबल हैं। तो आपको इसमें से कौन सा क्रॉप टॉप सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मैंने सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करा है, आपको मैं लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हो, चेक कर सकते हो। लेकिन आपको कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। और हाँ, मेरी ब्लॉगिंग की भी जो वीडियो होती है ना, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ डेली ब्लॉगिंग, तो उसका भी जो वीडियो है इसी चैनल पर आते हैं, तो आप जाकर चेक कर सकते हो, वो भी देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो, आपको कुछ भी इसमें ज़रा सा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।